नमस्कार भाभियों, तुम लोगों का बाबू एक बार फिर से आ गया है हजार साल याद रखने वाला BGMI का गेम प्ले लेके। अच्छा, और क्या बात है, आज तुम लोग मुझे दुखी दुखी लग रहे हो। अरे भाई, जिंदगी में हर किसी का टेंशन होते हैं। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जो सिंगल होता है वो प्यार पाने के लिए लड़की ढूंढता है, समझ गया, और जिसके पास गर्लफ्रेंड होती है वो प्यार करने के लिए जगह ढूंढता है। फिलहाल दोस्तों, मैं खेल रहा हूँ अपने टीम के साथ और मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जो अपने आप को गोरा चिट्टा दिखाने के लिए पाउडर अपने ऊपर थोप थोप के लगाया है। उतरते टाइम मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ये पैराशूट ठीक से काम नहीं किया तो सीधा मुंह के बाल गिरेंगे और नाक टूट जाएगा। भाई ओहो, देखो देखो वो कैसे दौड़ रहा है, क्या बेकल मुहा। आपने मुझे रोस्ट किया, लेकिन जब आप रोस्ट कर रहे थे तो मैं आपके खूबसूरती को निहार रहा था। स्टार बॉय, ये रील देख देख के सब कोई पागल हो गया, ये छपरियों वाले नाम रखते हैं। मेरा एमओ हो गया खत्म और देखो बंदा भी आ गया। ये स्नो वाला गन लेके मेरे को ट्रोल करने आया था, बताओ। अबे लगा के तुक्का मारूंगा मुक्का नंगी मुर्गी। अबे मो अभी तक मेरे पास नहीं है और देखो नीचे से एक बंदा आ गया, मैं सीधा भागता हूँ इधर की तरफ। मेरा टीममेट हो गया नॉक और फिनिश भी वहीं पर हो गया और मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ, लेकिन ये देखो यहाँ पर तो एक और बंदा है। अब मेरे पास अभी भी एमओ नहीं है, मैं सोचता हूँ यार जाए महिस्मती, सीधा जाएंगे चाकू लेके सीना फाड़ देंगे। ठीक है। चाहे एमओ हो या ना हो, मुक्के से मारूंगा चाकू से मारूंगा, प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, 12,000 की केटी है मेरी। बताओ क्या हो गया, ये कब और कहां कैसे आ गया भाई, मार के भी चला गया मेरे को, पता नहीं था, वरना यही चाकू इसके नाभि में डाल के इसके नाभि का कुआं बना देता। खैर मर गया तो कोई बात नहीं, जीना मरना तो लगा रहता है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, VIP आदमी हूँ, तभी तो मुझे रिकॉल देने के लिए BGMI वाले प्राइवेट प्लेन का इंतजाम करते हैं। हम लोग दोस्तों सीधा जा रहे हैं पोचिंकी, और पोचिंकी से मेरे को एक बात याद आई, ये जो मेरा टीममेट है ना गॉड, इसका स्ट्रगल देख के तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएगा, रो पड़ोगे भाई। कैसा? अरे उसको पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन उसके जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं रहता, इसीलिए पॉकेट मनी के लिए ये जो पोचिंकी है ना, तो वो चर्च के साइड में बिकनी पहन के बोटो के सामने नाचता है। और यहाँ के बोट भी बड़े हाउसी टाइप के हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत पैसे उड़ाते हैं वो साले तू। फिलहाल मेरे को एक बंदे का फुट स्टेप आया इधर से, बंदे बोल रहा हूँ ना। और ये तो थे केडी वाले प्रभु, जिनको मार के मैंने अपना केडी अच्छे से मेंटेन कर लिया, लेकिन उतने में ये मेरा टीममेट मारा जाता है, तो सीधा भागता हूँ उसकी तरफ, लेकिन मेरे को एक और आवाज आई इधर से, और ये भी थे केडी वाले प्रभु, मतलब आज ये लोग मेरा केडी बढ़ा के रहेंगे, बहुत मेहरबान है ये लोग। फिलहाल अपने बंदे के पास चलते हैं, क्योंकि उसको बचाना जरूरी है, वरना ज्यादा में वो रो देगा। मगर क्यों? अरे लेकिन वो तो पहले ही फिनिश हो गया और उसका रिकॉल भी नहीं है, मतलब हो गया काम, अब हम दो बंदे ही बचे हैं यहाँ पे, अपना तीसरा वाला बंदा तो निपट गया। खैर बदला लेंगे दोस्तों, जय महाराष्ट्र। तुम देखो घरों का साया दिख रहा है, लेकिन मेरा साया तुमको नहीं दिखेगा इस गेम में, पता नहीं ये लोग मुझे इंसान समझते हैं, प्लेयर समझते हैं या नहीं, शायद से मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। खैर बंदों को मारने आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा लूट लपाट कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास ज्यादा कुछ तो है नहीं, UMP है और ये जो वेक्टर गन है ये। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर क्यों ना एक ट्रिक लगाया जाए कुछ इस तरीके से, ये देखो अब देखना बंदे दिखेंगे, ये बंदे ना यहाँ से मुझे दिख नहीं रहे थे, तो आ जाता हूँ इस घर के छत पे, और वो बंदे देखो सामने घर दिख रहे ना, उसी में बस दो बंदे बैठे हुए, निकलने का नाम नहीं ले रहे, अगर ये मेरे हाथ चढ़ गए ना तो इनको मार के इनकी लाश को ब्लाउज पहनाऊंगा। ऐसा मत करो मेरी जान। मैं यहाँ पे समझ गया कि जब तक हम में से एक नॉक नहीं होगा तब तक वो बंदे लेंगे नहीं, और ये देखो मेरा टीममेट हो गया नॉक, और यही तो मैं चाहता था, बोले तो मैंने जानबूझ के उसको नॉक करवा दिया। अब वो बंदा देखना कैसे झाकेगा इसी खिड़की से, ये दिख रहा है ना सामने, इसी खिड़की से वो झाकेगा, देखो यही तो था जो आपको मारा था। दो है दो, हाँ दो है दो, 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 बस जीरो, घुसा घुसा, हाँ सही है, गोलू था गोलू, एक बॉट आया इधर से। Watch out! अब इन दोनों को तो मैंने मार दिया, अपने टीममेट का बदला भी ले लिया, लेकिन तुम ये देखो। ओए मार, अरे पेड़ के पीछे। और ये जो इस टाइप के केडी वाले प्रभु होते हैं, जो कहीं पे लेट जाएंगे दिखेंगे नहीं, ये तो पेड़ के कवर से तुमको मारेंगे, मुझे समझ में नहीं आता कि ये हमारे केडी बढ़ाने के लिए आते हैं या फिर खुद की केडी बढ़ाएंगे हमको मार के।
फिलहाल यहाँ पे मैं जल्दी से एक चुटकी तंबाकू अपने होठों के नीचे दबाता हूँ और मेरा हेल्थ हो जाता है फुल। और अब मैं देता हूँ फटाक से अपने टीममेट को रिवाइव और मेरे हो चुके हैं 7 किल। देखो अभी गेम खत्म नहीं होने वाला, अभी तो बहुत ज्यादा किल मैं करने वाला हूँ। 7 किल हो चुके हैं, फटाफट देते हैं अपने टीममेट को रिवाइव और यहाँ से भागते हैं दूसरे साइड। और लड़कियों के साथ जब तुम खेलोगे ना, ये देखो वहाँ पे आके वो बैठ गई, करना क्या चाहती है मुझे नहीं पता। खैर वो लड़की है, कुछ भी कर सकती है। मुझे अपने घर जाना है। खैर दोस्तों ज्यादा कुछ मैं लड़कियों को नहीं बोल सकता, क्या पता कल मेरे सीने पे चढ़ जाए इनकी स्कूटी। खैर गेम प्ले की बात कर लेते हैं दोस्तों। और गेम प्ले से याद आया, कमेंट वगैरह किया कि नहीं अभी तक? अरे करो यार, तुम लोगों का कमेंट ही पढ़ के तो मुझे खुशी मिलती है, वरना व्यूज तो बिल्कुल ना के बराबर आ रहे हैं, है कि नहीं? खैर यहाँ से बढ़िया हम लूट लपाट कर लेते हैं, उन लोगों की पेटी अच्छी खासी लूट वगैरह अपने को मिल जाती है। उसके बाद बग्गी लेके जब मैं इधर से जा रहा होता हूँ ना, तब पता चलता है कि कोई बंदा स्क्वाड हाउस में बैठ के अंडे दे रहा है। ये देखो कैसे मार रहा है मेरे को। मैं बग्गी में हूँ लेकिन मुझे उतारने की कोशिश कर रहा है। साले ऐसे मारेगा मेरे को, 1 किलो थूक फेंक के मारूंगा। कूद गया वो। तुमने देखा इस बंदे को? ऐसा नहीं लगा कि इसका गर्लफ्रेंड छत पे है और ये घर के पाइप चढ़ रहा है। उसको फिनिश कर दिया, मार उसको। इन दोनों को तो मार देते हैं जो ये स्क्वाड हाउस में होते हैं। लेकिन तुम देखो मैं यहाँ पे आया रिवाइव करने के लिए, तभी गाड़ी आ गई। तुम मैप में देखो, मैं भागता हूँ सीधा इसको उठा के ऊपर की तरफ और लेके जाऊंगा सीधा छत में और छत से ही फेंक दूंगा। अब वो बंदा मेरे एकदम पीछे पीछे आ रहा था, मैंने सोचा अपने टीममेट को रिवाइव नहीं देता हूँ, यहीं पे रहता हूँ, क्योंकि अगर वो यहाँ से आएगा और मैं रिवाइव दे रहा हूँ तो भाई फायर नहीं कर पाऊंगा और वो मेरे को पेल के चले जाएगा, इसीलिए वेट करता हूँ। और देखो ये बंदा यहाँ से तो नहीं आएगा लेकिन सामने बालकनी से आएगा। नहीं आएगा वो। और तुम इसका नाम देख रहे हो? चाय। बताओ यार, BGMI में चाय नाम रखा है तो इसके टीममेट का क्या नाम हो सकता है? टोस्ट, ब्रेड, रोटी? मानना पड़ेगा। यार देखो एक बंदा नॉक पड़ा है, ठीक है, जो गाड़ी लेके आया था उसको तो मैंने कर दिया नॉक, तो वो नॉक ही पड़ा है। लेकिन तभी मेरे को ना एकदम से आवाज आती है कि कोई बंदा इधर पीछे के साइड से आ रहा है। ये देखो फायरिंग भी किया उसने। मैं देखने लगता हूँ इस खिड़की से और वो मुझे दिखता भी है। और यहीं से हो जाता है ये पूरी की पूरी स्क्वाड। तुमने देखा होगा चारों बंदे मैंने मारे हैं, तो इसीलिए ये वाली स्क्वाड हो गया है मेरा वाइप। अब यहाँ पे कुछ तो है नहीं, बंदे भी नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई बंदे आएंगे नहीं। तो उसके बाद हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे, यानी कि इस टंकी के पास में, क्योंकि अपने को फायर शॉट आ रहे थे सामने से। तुम देखो गाड़ी वाड़ी ग्लिच वगैरह हो रहा है, मतलब वहां पर है बहुत सारे बंदे। लेकिन दिक्कत ये है कि वो एक स्क्वाड नहीं है, बहुत सारे स्क्वाड है। एक होता तो जाते मरते या फिर मारते, लेकिन अभी ना चारों तरफ से पड़ेंगे अगर वहां चले गए तो। ये देख रहे हो गाड़ी कैसे चल रही है, देख रहे हो? मतलब अपार्टमेंट में अलग बंदे हैं, उधर अलग बंदे हैं, इसीलिए नहीं गए। यार यहाँ पे लेटे लेटे ना मैं बस वही बंदे ही देख रहे थे, तभी मेरे को अचानक से फुटस्टेप आती है राइट से। नहीं बंदा नहीं दिख रहा, गाड़ियां दिख रही है। और ये लो, ये वाला किल भी मेरा चोरी हो गया। अब मैं क्या बताऊं, यही दिक्कत होती है अपने टीममेट के साथ खेलो तो निपटा देते हैं, मतलब निपटाते क्या है भाई, तुमको मरवा के ना तुम्हारा ही किल चोरी कर लेगा। You are right, bro. मैं ना यहाँ रहे रहे थक गया था, मैं एक जगह ज्यादा टाइम तक रुकता नहीं, लेकिन अभी तो रुकना पड़ेगा ही क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं वहाँ पे। हमने सोचा था कि एक आध स्क्वाड को खत्म होने दो फिर जाएंगे आराम से, लेकिन तुम अभी देखना क्या सीन होने वाला है यहाँ पे। मैं जा नहीं रहा था तो मेरे टीममेट को पता नहीं क्या चूल हुई थी, सुनो। अरे चलो ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, इसको जाने दे, ये मर गया तो हम नहीं जाएंगे। गॉड की बातें तुम लोगों ने समझ लिया होगा, उसने कहा कि अगर ये मर जाएगी तो हम लोग नहीं जाएंगे, उसने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि तुम देखना ये कैसे गंदी मौत मरने वाली है। तुम लोग सोच रहे होंगे तेरे टीममेट रस करने गया और तू यहाँ पे पेट रगड़ रहा है जमीन से। अरे भाई क्या बताऊं, मेरे छाती में बहुत ज्यादा बाल उग गए थे तो यहां से मैं रगड़ रगड़ के उन बालों को झड़ा रहा हूं। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है, व्हाट मैन। खैर वो सब छोड़ो, अपना टीममेट पहुंच चुकी है स्कूटी वाली, पापा की परी बग्गी लेके गई है, पूरे बंदे को मार देगी, फुल गुस्से में है एकदम, एक ही झटके में सबको मारेगी, मैं यही सोच रहा था। लेकिन अब यहाँ पे तो मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था, इसीलिए फटाक से उठाया एक गाड़ी, बोले तो यार बाइक, और तुम्हारा भाई धूम के स्टाइल में जाते हुए धूम मचाले पिछवाड़ा बचाले। क्या बोला तूने? मेरे पीछे एक गाड़ी पड़ गई थी, ठीक है, तुम लोगों ने देखा या नहीं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे सीधा मैं बाइक को ठोकता हूँ और जाता हूँ ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे सोचता हूँ कि चलो टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पे आके गिर गया, क्योंकि अगर वहां चढ़ जाता ना तो इनको मारना बहुत आसानी होती। अब ये देखो यहाँ पर सीढ़ी पे इन लोगों ने मौली भी फेंक दिया, मतलब मैं दोबारा जा नहीं सकता। अब यहाँ पे मैं फंस गया, इस जगह आके मैं सच्ची में फंस गया, क्योंकि इन लोगों ने अब यहाँ पे मौली चारों तरफ कर दिया, जो फटी है ना मेरा यहाँ पे। खैर बंदे आ गए मेरे सामने ही, देखो निकल, 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 निकल,
यहाँ पे मैं इतना ज्यादा पैनिक हो गया था, बोले तो मेरा बहुत ज्यादा फट गया था और मैं मारा गया। तो ये गेम प्ले हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आजकल इसमें भी मैं रील वगैरह डाल देता हूँ, तो यहाँ पर तुम मुझको मैसेज भी कर सकते हो, इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए ठोकते रहो।